हाल कैसे हो दोस्तों। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कृष्णा इज सेंड टू हस्तिनापुर। अच्छा मुझे लग रहा था ये हसीनापुर है। सो एज अ शांति दूत और इस वीडियो को हम देखते हैं, चलते हैं, रिएक्ट करते हैं। सो इससे पहले भी हमें इस वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया था बट ये वीडियो अनकम्प्लीट थी, मतलब कि वीडियो कम्प्लीट नहीं थी वो स्टोरी। तो हम पूरी वीडियो देखेंगे और इस पर रिएक्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट। प्रणिपात महाराज, कल्याण हो वासुदेव। हस्तिनापुर की इस राजसभा में यादव श्रेष्ठ श्रीमान वासुदेव का स्वागत है। हे वासुदेव, कुरुओं का ये महान वंश आज संकट का भागी बन बैठा। ऐसे रात्रि का आगमन टिंगर की ध्वनि से जाना जाता है, वैसे पंच का नाश हम वृद्धों के हताशा से भरी श्वास की ध्वनि से जाना जाता है। हे वासुदेव, इस संघर्ष को अंत करने का मार्ग अब केवल आप ही दिखा सकते हैं। कोई मार्ग दिखाइए वासुदेव। महाराज की जय। महाराज, पांडवों को उनका राज्य लौटा दीजिए और अपने पुत्रों को प्रायश्चित और दंड के लिए सज्ज कीजिए। उनके प्राण नहीं जाएंगे मैं वचन देता हूं, किंतु उन्हें अपने सम्मान को छोड़ना होगा। यदि इतना मान्य है तो ये युद्ध टल सकता है। वासुदेव, इंद्रप्रस्थ पर मेरा अधिकार है, महाराज का नहीं। मैं किसी भी स्थिति में इंद्रप्रस्थ को लौटाऊंगा नहीं। और जब तक पांडव इंद्रप्रस्थ के राजा नहीं, उन्हें युद्ध का अधिकार ही नहीं। वासुदेव, अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने का अधिकार सबका है। युवराज, ये तो पांडवों की उदारता है कि इतने वर्षों तक उन्होंने युद्ध नहीं किया। महाराज का सम्मान किया पद पद पर। वास्तव में किसी भी स्थिति का अंत उस स्थिति के आरंभ से ही निश्चित हो जाता है। नीम के वृक्ष पर आम के फल नहीं लगते कभी। महाराज, इस संघर्ष का आरंभ भी उसी दिन हो गया था जिस दिन महाराज पांडु का देहांत उस वन में हुआ था और उनके पुत्र हस्तिनापुर पधारे थे। आपने यदि उसी दिन राजकुमार युधिष्ठिर को युवराज घोषित कर दिया होता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती।
किंतु आपसे आपके सिंहासन का मोह त्यागा नहीं गया। ये आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वासुदेव? आप शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं या संघर्ष का आवाहन देने? गांधार राज, सत्य को अपमान वही मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। किंतु सत्य तो यह है वासुदेव की एक राजा का पुत्र ही राजा बनता है। किंतु आप तो कार्यकारी राजा हैं महाराज। सत्य तो ये कि आपका राज्य अभिषेक कभी हुआ ही नहीं। तो आपके पुत्रों को सिंहासन किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इतने इतने पुराने इतिहास के पन्ने खोलकर क्या लाभ महाराज? वासुदेव, सत्य तो यह है कि युद्ध सभा के अंत में पांडवों ने स्वीकार किया था कि वो एक वर्ष का अज्ञातवास भोगेंगे, किंतु मेरे बच्चे दुर्योधन एक वर्ष पूर्ण होने से पहले अर्जुन को ढूंढ लिया। हम पांडवों को वनवास से मुक्ति देने को सज्ज हैं, यदि वे युद्ध का हठ छोड़ दें। मंदिर के प्रांगण में करने से भी अनुचित कार्य उचित नहीं हो जाता गांधार राज। द्यूत सभा ही अधर्म थी, इसलिए उसके परिणामों का कोई महत्व नहीं। वासुदेव, क्या भ्राता युधिष्ठिर ने जान करके अपनी संपत्ति, अपने भाई, अपनी पत्नी और स्वयं अपने आप को दांव पर नहीं लगाया था? तो अधर्म किस प्रकार हो सकता है वासुदेव? किसी स्त्री को भरी सभा में निर्वस्त्र करने की चेष्टा कर आपने सारी सभा को अधर्म सिद्ध कर दिया था युवराज। भोजन के किस निवाले ने शरीर में विष फैलाया है ये कोई नहीं पूछता। समग्र भोजन को विषयुक्त माना जाता है। हमें भी इंद्रप्रस्थ की सभा में निशस्त्र किया गया था, क्या भूल गए वासुदेव? माया सभा में जब आपके शस्त्र उतारे गए थे तभी आपने युद्ध का आवाहन क्यों नहीं दिया युवराज? युद्ध सभा में प्रपंच करके एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की योजना क्यों बनाई आपने? सत्य तो ये कि आपके पास युद्ध का सामर्थ्य ही नहीं। वासुदेव, उस युद्ध सभा में महामहिम भीष्म भी थे, महागुरु द्रोण भी थे, क्या इन्होंने भी अधर्म किया? अवश्य किया था। जब समग्र भवन गिर रहा हो तो द्वारपाल केवल द्वार की रक्षा नहीं कर सकता गांधार राज। जब समाज के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा, जब मानवता के विरुद्ध कोई अपराध कर रहा तो केवल अपने व्यक्तिगत धर्म को संभालना अनर्थकारी होता है। धर्म का ये ऐसा विचित्र रूप है जिसे मैं मान्य नहीं कर सकता। यदि हस्ति
ये धर्म अधर्म के विवाद का समय नहीं। इस समय केवल एक महायुद्ध को टालने का प्रयत्न करना आवश्यक है, और इसीलिए मैं शांति का प्रस्ताव लाया हूं महामंत्री। और मुझे ये प्रस्ताव मान्य नहीं है। यदि इस समय सभा का त्याग करेंगे युवराज, तो हमारा मिलना अब रणभूमि में होगा महाराज। दुर्योधन, हेरो, दंड की बात करके आपने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने योग्य रखा ही नहीं। कोई भी योद्धा दंड किस प्रकार स्वीकार करेगा? और कौन सा योद्धा अपने ही परिवार की स्त्री को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है पूरी सभा में महाराज? और अपराध करने के पश्चात दंड से भयभीत होने का क्या तात्पर्य है? किंतु फिर भी मैं वचन देता हूं, द्रुपद कन्या के चरण स्पर्श कर क्षमा मांग ली जाए तो पांडव उसे भी दंड मान लेंगे। हमने देखा कि किस तरह से कृष्णा जी जो हैं वो जाते हैं और वहां पर बेसिकली ये कहते हैं कि पांडवों को जो है वो ये जगह वापस दे दी जाए, और ये मतलब उनका वो जो था सब कुछ वापस उनको दे दिया जाए, वो यहाँ से चले जाए। लेकिन वो लोग कृष्णा जी की बात नहीं मानते और वो यही कहते हैं कि पांडवों ने हमें जब दिया तो ये अब हमारा है। और पांडवस ने जो है वो मतलब कि अपना जो उन्होंने एक किया कि उन्होंने जो है वो द्रौपदी को जो है अब द्रौपदी को जो है उन्होंने जो है वो हरा दिया, और हराने के बाद फिर जाहिर सी बात है अब जितनी गलती इनकी है मतलब इन सबकी है उतनी ही गलती जो है पांडवस की भी है। सो हम ये बात तो नहीं कह सकते कि मतलब कि सिर्फ इनकी ही गलती है। हाँ, वो अलग बात है कि उनको एहसास हुआ, उनको पांडवस को जो है वो एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया था, उनको गेम में नहीं हराना चाहिए था, तो फिर वो अलग बात है। और जो है इनको एहसास नहीं है, सो फिर इसमें बहुत फर्क आ जाता है कि उनको एहसास है इनको एहसास नहीं है। लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि हस्तिनापुर मतलब कि एज शांति दूत जो है जो कि वो कह रहे हैं कि वापस दे दिया जाए पांडवस को, जो कि वो गेम में हार चुके हैं, तो अब जो है वो ये वापस दुर्योधन जो है वो मना कर रहा है, कह रहा है कि मैंने तो नहीं देना। और द्रौपदी के साथ जो भी हुआ, जितना बुरा हुआ ये सब जानते हैं, और उनके साथ काफ़ी जो है मिसबिहेव भी किया गया, उनको जो है वो डिसरिस्पेक्ट किया गया भरी महफिल में, तो वो सारा भी मैंने देखा था पार्ट। तो इसमें जो है अब कृष्णा जी जो हैं उनको इस बात पर गुस्सा आया कि ये क्या है कि मतलब ये वापस नहीं दे रहे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो है वो जंग वगैरह या फिर महाभारत स्टार्ट होने का जो है वो उसकी तरफ रुक चला गया, जहां तक मुझे आइडिया हो रहा है। सो खैर, महाराजा कहते हैं कि हम तो महाराजा थे, उन्होंने कहा क्या महाराजा मतलब कि शुरू से महाराजा तो नहीं थे ना। तो खैर इस तरह का कुछ है मुझे इस वीडियो में समझ आया है, लेकिन मेरा जहां तक माइंड यही कहता है कि अगर दुर्योधन और ये सारे जो वी ग्रुप दिख रहा था ये सारे अगर बुरे हैं,
तो फिर तो वो लोग भी पांडव्स भी उतने ही कसूरवार हुए क्योंकि उन्होंने उनको गेम में हराया, क्यों गेम में खिलवा दिया द्रौपदी को, और उस बेचारे उनके साथ इतना जुल्म हुआ, उनको जो है उनकी इंसल्ट की गई, उनके कपड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया, मजाक बनाया गया। खैर महाभारत में बहुत कुछ हमें सीखने को भी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें भी जानने को मिलेंगी। सो उसके लिए हमें वन बाय वन जो है वो ये वीडियोस देखनी होंगी जिससे हमें आइडिया होगा। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर हो सकता है कि मैंने गलत भी ऑब्जर्वेशन की हो सो आप मुझे उस पर राइट भी कर सकते हो, आपको पूरा हक है। सो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप उसमें मुझे करेक्शन भी करके बता सकते हो। बाकी डंड करके कुछ नाम लिया था, उसका मतलब क्या है, वॉर है क्या है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और मेरा न्यू व्लॉग चैनल है साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सनातन धर्म से रिलेटेड इन पाकिस्तान कल्चर, इंडियन कल्चर इन पाकिस्तान में जो है वो आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ अपने व्लॉग्स के थ्रू। सो यकीनन आपको अच्छा लगेगा। सो लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में पिन करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।